ब्लॉग बनाने से पहले थोड़ा कुछ खा पी लेते हैं, तो आए थे आज यहाँ बड़ा फेमस लस्सी और बादाम शेक मिलता है। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। मतलब आपने ये बना रखा है दीवार पर टांगने के लिए, तो ये क्या नाम है, मतलब फैंसी है या मतलब ये यूज में हो सकती है? नहीं, ये फैंसी खाली कमरे में तस्वीर सजाने के काम फैंसी है, मतलब फैंसी है। और जैसे ये बड़ी वाली जैसे निंजा टाइप की तलवार दिख रही है, ये सब फैंसी आइटम है। वो ऊपर वाली तलवार है ब्याह शादी में माता जी की पूजा वूजा में मतलब काम में लेते हैं लोग। तो इनमें से कोई सी भी तलवार वो है यूज में ले लेना है? नहीं, बिना धारदार, बिना धार वाली है। और ये 100 पीस की तलवारें हैं सारी की सारी। जिसकी तलवार भालों से अकबर भी घबराता था, वो वीर सूरवीर महाराणा प्रताप कहलाता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में, जो एक विश्व के महान योद्धाओं में से गिने जाते हैं। हम बात कर रहे हैं मेवाड़ की उस भूमि से जिसने कभी हार नहीं मानी, अकबर के सामने मुगलों के सामने कभी झुकने नहीं थी। लेकिन ये सब कुछ हो पाता है अच्छे हथियारों की वजह से और अच्छे सैनिकों की वजह से। सैनिक तो थे बहुत कम, लेकिन अच्छे हथियार भी अपनी भूमिका निभाते हैं। आज हम आपको हमारे आज नए वाले ब्लॉग में, मैं विजय सिंह गरसोली, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ तलवार भाले और उनसे जुड़ी हुई वो बातें जो महाराणा प्रताप से जुड़ी है। महाराणा प्रताप के साथ वो लोग जिन्हें हम गाड़िया लुहार कहते हैं, उन्होंने उस वक्त ये कसम खाई थी कि जब तक हम मेवाड़ को मुगलों से वापस नहीं ले लेते, तब तक हम हमारे राणा के साथ साथ रहेंगे और तब तक हम अपना घर नहीं बनाएंगे। ये बात उस जमाने की है, लेकिन हम आपको बता दें कि उस नीति को और उस प्रथा को या उस प्रतिज्ञा को आज भी गाड़िया लुहार मान रहे हैं और उसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आज भी वो हथियार बनाते हैं, आज भी वो तलवारें बनाते हैं। वही चीज़ हम आज आपको दिखाने के लिए ले चल रहे हैं और उनसे बात करेंगे कि किस तरह से वो तलवारें बनाते हैं, साथ ही साथ अलग अलग तरह की, अलग अलग वैरायटी की, अलग अलग कलर डिज़ाइन फैंसी टाइप की तलवारें हम आपको आज दिखाएंगे। जब बात तलवार की हो रही है, तो मैं आपको बता दें कि महाराणा प्रताप दो तलवार रखा करते थे। दो इसलिए कि अगर दुश्मन निहत्ता हो तो एक तलवार उसको दी जा सके, ये एक नीति है मेवाड़ राजवंश की। और दूसरी हम एक स्पेशल बात बताते हैं तलवार के बारे में कि बहलोल खान लोदी, आपने नाम सुना ही होगा, 1582 के अंदर जब दिवेर का युद्ध हुआ, तब बहलोल खान लोदी अपनी सेना के साथ मेवाड़ पर आक्रमण के लिए आया, तब महाराणा प्रताप ने तलवार के एक ही झटके से, एक ही वार से अपनी तलवार से बहलोल खान लोदी को उसके घोड़े के साथ चीर कर दो टुकड़े कर दिए। ऐसी होती थी वो तलवार। तो आज हम ले चलते हैं आपको उन जगह पे जहाँ पे तलवारें बनाई जाती है। मैं रास्ते में चल रहा था तो मुझे लगा कि अब इनके बारे में हमको आपको बताना चाहिए, तो चलते हैं और उनसे बात करते हैं। मैं उनके मतलब ठिकानों में मतलब काम करते थे, मतलब परंपरा की खेती है ये, मतलब यही बनाते आ रहे हैं, यही करते आ रहे हैं, वो आज भी यही कर रहे हैं। नहीं, जो प्रतिज्ञा मतलब उस जमाने में आपके जो वंशज थे उन्होंने ली थी, थोड़ा सा उस बारे में बताओ। कैसे? कि जो प्रतिज्ञा मतलब उन्होंने ली कि महाराणा प्रताप के टाइम, कि जब तक हम हमारे जो राणा है, हमारा जो मेवाड़ है, उसको मुगलों से अगर हम जब तक नहीं ले लेते हैं, तब तक हम ना मकान बनाएंगे और ना मतलब स्थायी रूप से रहेंगे। तो उसके बारे में थोड़ा सा आप। वो गाड़ी लुहारों का मतलब है, हमारे लिए नहीं। अच्छा, वो आपके लिए नहीं है। तो गाड़िया लुहारों में आप में क्या फर्क है? उनके हमारे बेटे लुहार नहीं है, उन्होंने वो प्रतिज्ञा ली थी किले पे जाने के लिए, लेकिन हमारा तो ये तलवार बनाने का, पर्ची बल्लम भाले बनाने के रजवाड़ों में हमारा काम ही मतलब यही था। नहीं, जैसे आप शुरू से आपके जो वंशज है वो तलवार बनाते आ रहे हैं, इस तरह के हथियार बना रहे हैं, लेकिन जो गाड़िया लुहार जो रहते हैं, जो गुम्मकड़ जाति के लोग हैं, उनका आपका कोई जाति का संबंध है या फिर वो अलग है? वो अलग है। संबंध नहीं है, बेटी बुहार नहीं है, खान पान नहीं है। अच्छा, बिल्कुल अलग है वो तो। बिल्कुल अलग। तो जैसे क्या नाम है,
वो तो जैसे जो लोहे के औजार है वो बनाते हैं, कुल्हाड़ी दांतली खेती बाड़ी का सामान वो ज्यादा बनाते थे। और हम जो मतलब क्या है कि मतलब ये राजा महाराजों के टाइम से ढाल तलवार बर्छी भाले हम भी घुमक्कड़ जाति के थे पहले, आप बस गए। लेकिन मतलब पहले जैसे कहीं पे भी ठिकाना, जैसे राजाओं के महल रहते थे, चलते फिरते रहते थे, उनके ठिकाने में बैठ के उनका मतलब काम का रिपेयरिंग करना है, म्यान बनाना है, धार लगाना है, ये बड़े बूढ़े अपने मतलब काम करते। लेकिन अभी स्थायी रूप से आप यहाँ मतलब मतलब अपनी यही मतलब जगह जगह बस गए और सब जगह मतलब यही धंधा चालू, जैसे अपने मतलब पुष्कर में है, इधर चले जाओ आप मतलब विजयनगर में है, विजयनगर में है, नाथद्वारा में है, जोधपुर में है। पुष्कर में जो तलवारें मिलती है जो बनाते हैं वो आप ही के लोग हैं? कुछ तो हमारी भी है, जगह मतलब पहले पुराने टाइम से ही बनता था जोधपुर में और सिरोही में, जैसे कि सिरोही की तलवारें फेमस है, फेमस थी। तो वो आज जो सिरोही में जो तलवारें बन रही है वो आप ही के लोग हैं या कोई दूसरे बनाते हैं? नहीं, वो आप दूसरे होंगे, हमारे लोग भी हैं और दूसरे भी। अब तो व्यवसाय हो गया, एक बिजनेस हो गया है, तो दूसरे लोग भी बनाने लगे। तो आप सारे जो ये चीज वगैरह बनाते हैं, जैसे आप ये देख पा रहे हैं तो ये बांस से बनी हुई है, तो ये बांस का जो मटेरियल है जो है वो कहाँ से लाते हैं आप? इससे पहले तो मतलब क्या इसकी नीलामी होती थी, तो मतलब क्या कि सरकार नीलाम करती थी तो बांस मिल जाता था। अब कहीं कुओं पर किसी ने बांस मार रखे हैं तो वहाँ से कटवाते हैं, जो लाठी का बांस होता है, ठीक है, भी 10-20 प्रकार का होता है, कोला बांस भी आता है, लकड़ी का बांस भी आता है। कितनी रेंज में ये बिक जाती है, मतलब क्या क्या रेंज है इसकी, जैसे छोटी वाली है, बड़ी वाली है? बड़ी वाली लाठी 100 रुपये की मिल जाती है, छोटी वाली 50 या 60 रुपये 70 रुपये की। अच्छा, और जैसे तलवार का जो लोहा है तो वो कहाँ से मंगवाते हैं आप? वो तो आजकल तो ये मतलब अपने लोहे के गोदाम से लाते हैं आजकल, तो पहले तो मतलब पक्का लोहा के मतलब आइटम बनते थे, आज तो ये कच्ची पत्ती के खाली नमूने 100 पीस हैं। ये किस रेंज में है? ये 450 रुपये, ये 450, ये 250 रुपये छोटी वाली। और ये गुप्ती, गुप्ती है ना? ये गुप्ती है, ये 225 रुपये मिनिमम रेट है। एक बार खोल के बता सकते हो उसको कि क्या साइज होगी, क्या इसका मतलब? तो बिना धार की आती है ये? ये कितने पड़ेगी? ये 225 रुपये, 225 की। और ये फैंसी टाइप का जो लग रहा है, एक्स लग रही है, ये 1100 रुपये का है, 1100 रुपये का। और ये भी एक तरह का गुप्ती कटार टाइप का है, ये खुकरी नेपाली खुकरी, नेपाली खुकरी, ये नेपाली खुकरी 550 रुपये, 550 की। और आप इधर देख पा रहे हैं ये निंजा टाइप की तलवार है, ये सीधी वाली, सीधी वाली 1200 रुपये। और ये खुकरी टाइप का, ये मतलब 450 रुपये की पड़ेगी, 450 रुपये की। और ये थोड़ा अलग अलग डिफरेंट टाइप की तलवार आप देख रहे हैं यहाँ पे, सीधी तलवार है, मतलब अच्छी मजबूत वाली चीज है, ये 1200 रुपये का एक आइटम, 1200 रुपये का। ये सफेद वाली है जो ये पड़ेगी आपको करीब करीब ये 850-900 रुपये। ये खोल के दिखाओ एक बार आप, 850 वाली। तो इसका कितना बताया आपने? 850 रुपये। ये होलसेल की मतलब है आपको, मतलब बेचने कमाने वाला है, मतलब वो नहीं बता रहा हूँ। और ये कितने का पड़ेगा? ये बड़ी अच्छी लग रही है, ये वाली, हाँ, ये 1500 रुपये। अगर जिस भी भाई को इनसे तलवार लेना हो तो आपका शुभ नाम? अशोक जी हैं, मैं इनके नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और मैं डिटेल डाल दूंगा, जिसको भी लेना हो तो इनसे सीधा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये अगर आप आ भी नहीं पाते हैं तो आप सीधा होलसेल रेट में या रिटेल रेट में आपको बाई ऑर्डर आपके पास में भेज देंगे। और इस टाइप आप जैसे साउथ इंडियन मूवीज में देखा होगा आपने, इस टाइप के कटार ये किस हिसाब से रेंज में होंगे? ये वाला, हाँ, ये 500 रुपये का आइटम। और ये थोड़ा सा ये ढाल वगैरह इनके बारे में थोड़ा बता दो। ढाल जैसे वो लगे हुए है, सेट वगैरह वो आगे लगे हुए। अच्छा, वो मतलब क्या है, 1200-1250 रुपये का पूरा तस्वीर आ रहा है।
अच्छा पूरा छोटा वाला 1200 का है, बड़ा वाला 1500। और ये बेसबॉल टाइप के कुछ रखे हुए हैं, इनका क्या रेंज होगा? इसका मतलब रिजनल रेट होलसेल की रेट है ये, मतलब 150-160 रुपए। इनके पास में दूल्हे के लिए जो काम आने वाली छोटी कतार होती है वो भी है, ये 101 रुपए। मार्केट में आपको इसकी ये 200-250 रुपए तक मिलेगी, लेकिन इनके पास में 100 नहीं, होलसेल की रेट बता रहे हैं। जो कोई को भी 10-20-50 आइटम चाहिए वो रेट, और वैसे तो मतलब ग्राहक को 160 रुपए से कम मिलेगा।